दमयंती के नल को पति चुनने पर बहुत से देवता लोग नाराज हुए। स्वयंवर से वापिस लौटते समय देवताओं को रास्ते में कलयुग मिल जाता है और स्वयंवर का हालचाल बूझता है। नल के वरण की बात सुनी तो कलयुग क्रोधित हो गया और कहने लगा कि देवताओं की बेइज्जती करी है, नल दमयंती चैन से नहीं बैठने दूंगा। तो दोस्तों कलयुग नल के पीछे पड़ जाता है। उधर नल अपने भाई के साथ में जुआ खेलता है तो कलयुग एक अदृश्य शक्ति बनकर पुष्कर की जीत और नल की हार करवाता है। धनमाल, खजाना, राजपाट, गहने, वस्त्र सब कुछ जुए में हार जाता है नल। अब नल तो एक कंगाल की स्थिति में बेसहारा खड़ा रह जाता है। पुष्कर दोनों को राज की सीमा से बाहर चले जाने के आदेश देता है। उस समय का वर्णन कवि ने किया है, इस रागिणी में सुनिए। पुष्कर के कहने ते खाली महल अटारी कर दी, नल राजा और दमयंती ने पण की तैयारी कर दी। पुष्कर के कहने ते खाली महल अटारी कर दी, नल राजा और दमयंती ने पण की तैयारी कर दी। पुष्कर के कहने ते खाली
का धर्म समझ के सेवा लेने लाग जा। जंगल में के रहना कोई पीहर में रहने लाग जा। जिस मानस के टोटा आ जा अकल बहन लाग जा। पतिव्रता का के धर्म निभावे दुख सुख सहने लाग जा। दुख सुख सहने लाग जा। कते जंगल के मां कहने लाग जा। जंगल के मां कहने लाग जा। मेरी दुखी जीवारी करे दी नल राजा और दमयंती ने बनकी तैयारी करे दी। साथ बनखंड में चलने की जिद करने लगी, लेकिन दो बच्चे इंद्रसेन और इंद्रावती लड़की, उनका क्या हाल होता, वे कहां जाते। सोचा गया, एक मंझोली मंगवाई गई कि इन बच्चों को इनके मामा के घर पहुंचा देंगे। मंझोली में दोनों बच्चे बिठा दिए, लेकिन राजा के बार बार समझाने पर भी दमयंती अपने पीहर जाने को तैयार नहीं हुई। रथ तय दूर खड़ी होगी, अपनी ममता तय मुंह मोड़ लिया, क्या बताया। हाँ लड़का लड़की, लड़का लड़की बैठा अर्थ में खड़ी वाहोली। लड़का इंदर रोने लग गया के देखे न झोली के मम्मा हमें पार तार दे। इंद्रावती बोली लक्ष्मी चंद कह रहे कुंदनपुर को चलती करी मंझोली, चलती करी मंझोली। दमयंती ने बनके तैयारी करे दी। उस घर के